श्री कृष्णा मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं अब आपको सिखाऊंगा एक आधिपत्य शोधन की बात आता है, पिंड शोधन की बात। पिंड शोधन आप लोग कैसे करेंगे, राजपिंड कैसे बनाएंगे, ग्रह पिंड कैसे बनाएंगे, इसका साधन करना, इसका जो प्रयोग हम करते हैं, जब एक आधिपत्य शोधन कर देते हैं उसी सरणी का प्रयोग हम इसमें करेंगे और उसका उदाहरण के द्वारा, क्योंकि इसी के द्वारा हम नक्षत्र के द्वारा कैसे फलित होता है, चाहे वो जितने भी ग्रह हमारी हैं सातों ग्रह और लग्न, इसके बारे में हम कैसे इसका फलित करेंगे ये पूर्ण जानकारी बाद में बता दूँगा। आज हम आपको बता रहे हैं शोधन करना, इसकी आप गणना कैसे करेंगे, आप पिंड साधन करेंगे कैसे, उसका हम करते हैं शोध पिंड साधन के बारे में आज गणना करते हैं। तो जैसे हम जो उदाहरण लेके चल रहे हैं, आपको मैंने सिखाया था सूर्य चंद्र मंगल का एकाधिपत्य शोधन, वो करना तो सिखाई दिया था, उसके बाद आप लोगों ने उसी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी और भी ग्रहों की, यानी सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और लग्न, इन सभी के आप एकाधिपत्य शोधन कर लेना और अपना चार्ट बना लेना। चार्ट भी कैसे बनाया जाता वो भी मैंने आपको बता दिया था, उसी को मैं पुनः बता देता हूँ। एकाधिपत्य शोधन जब अष्टक वर्ष सारणी आप बनाओगे तो इस तरह से बना लेना, द्वादश राशियाँ जैसे बना रहे थे हम, मेष वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन, इस तरह से बना लेना, ग्रहों को लिख देना इस तरह क्रम से सूर्य चंद्र मंगल, और एकाधिपत्य शोधन के बाद जो हमको अंक बिंदु प्राप्त हुए थे वो सब इसी तरह उन राशियों के नीचे लिखते चले जाना, ग्रह लिखना उसके जो अंक प्राप्त थे, चंद्रमा के जो हमको अंक प्राप्त हुए, मंगल के जो अंक प्राप्त हुए, इस तरह से पूरी सारणी बना लेना। इसके बाद इसी सारणी का प्रयोग हम करेंगे और किसमें, शोध पिंड साधन में। शोध पिंड साधन में दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है हमें, एक तो हमको पड़ेगी ग्रह पिंड साधन यानी ग्रहों के बारे में कि ग्रह कितने बलवान हैं, उनको क्या मिला, और दूसरा है राशि पिंड साधन। लेकिन जब आप ग्रह पिंड साधन करेंगे तो हर ग्रहों को एक गुणक दिया गया है। गुणक क्या है, जैसे सूर्य है, सूर्य का गुणक आप नोट कर लेना है सारणी के द्वारा, सूर्य का गुणक है 5, चंद्रमा का गुणक 5, मंगल के 8, बुध के 5, गुरु के 10, शुक्र के 7, शनि के 5, ये ग्रह गुणक हैं। जब हम पिंड साधन करेंगे तो ये ग्रहों के ये गुणक हैं, इसको आप नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। इसी तरह राशियों के भी दिए गए हैं, जब हम राशिपिंड साधन करेंगे तो इसमें राशियों के भी गुणक दिए गए हैं। मेष राशि का नोट कर लेना स्क्रीनशॉट ले लेना, मेष के 7, वृष के 10, मिथुन के 8, कर्क के 4, सिंह के 10, कन्या के 5, तुला का 7, वृश्चिक के 8, धनु के 9, मकर के 5, कुंभ के 11, मीन के 12, ये राशि गुणक हैं, इसी के द्वारा हम साधन करेंगे। अब जैसे हमको निकालना है किसका, पहले आता है सूर्य, सूर्य अष्टक वर्ग, इसी तरह बना लेना जो लग्न थी बच्चे की, मिथुन लग्न थी, जैसे राशियाँ थी उसी तरह राशियाँ लिख लेना। अब हमने देखा कि जहाँ मेष राशि है वहाँ 0 बिंदु प्राप्त है, जहाँ मेष राशि थी वहाँ 0 बिंदु, वृष राशि में 0 बिंदु, मिथुन में 1 बिंदु प्राप्त था, कर्क राशि में 0 बिंदु प्राप्त थे, सिंह राशि में 1 बिंदु प्राप्त था, कन्या में 6 बिंदु प्राप्त थे। देख सकते हैं कि मेष में 0 बिंदु प्राप्त था, वृष में 0, मिथुन में 1, वही चीज मैंने यहाँ नोट कर दी। सूर्य के जब सूर्य का अष्टक बनाएंगे, पिंड शोधन करेंगे सूर्य का, वो बिंदु आप इस तरह सारणी बना के लिख लोगे तो आपको गणना करने में आसानी रहेगी, हम आपको समझा क्या रहे हैं। इसी तरह सारे बिंदु जैसे आपने सर्वाष्टक में लिखे थे, ऐसे शोधन जो बिंदु हमको प्राप्त है राशियों में वो हमने यहाँ नोट कर दिया। सूर्य का जो वर्ग बना रहे हैं हम शोधन का, एकाधिपत्य शोधन का, वो हमने यह लिख दिया। हमको अब गणना करनी कि हमने देखो राशि पिंड के राशियाँ लिख ली, उनके गुणक नोट कर लिए, ग्रह हमने नोट कर लिए साथ के साथ हो, और उनके गुणक नोट कर लिए। अब हम इसका साधन करना है। अब हमने देखा कि मेष राशि को हम सूर्य का, जैसे सूर्य अष्टक वर्ग का शोधन पिंड में साधन में हमको बिंदु क्या प्राप्त हुए, मेष राशि, मेष राशि को कितना प्राप्त हुआ 0, वृष राशि में यहाँ कितना प्राप्त है 0 लिख दिया, मिथुन में 1 प्राप्त है तो मिथुन को 1 लिख दिया, कर्क में 0 है तो यह कर्क में 0 लिख दिया,
सिंह और कन्या में एक एक बिंदु प्राप्त है, तो सिंह और कन्या में हमने एक एक लिख दिया, सिंह और कन्या में एक एक लिख दिया। तुला में जीरो है, तो तुला के आगे हमने जीरो लिख दिया। जो शोधन प्राप्त, जो एकाध, जो हमने एकाधिपत्य शोधन किया, उसके बाद जो हमको बिंदु प्राप्त थे, उसी तरह हम राशि से क्रम से लिखते जा रहे हैं। वृश्चिक धनु में एक एक बिंदु, वृश्चिक और धनु में एक एक बिंदु प्राप्त थे, शुभ बिंदु प्राप्त थे। और मकर कुंभ मीन में जीरो, तो यहाँ मकर कुंभ मीन में हमने जीरो जीरो लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, इसका गुणांक, दोनों का गुणांक, यानी जो राशि के जो गुणक है प्लस जो हमको बिंदु प्राप्त हुए, इन दोनों की गुणा कर देना है। इनका गुणनफल क्या आएगा, जब आप सात से जीरो गुणा करो, सात जीरो जीरो, दस जीरो जीरो, आठ इक्यानम आठ, चार जीरो जीरो, दस इक्यानम दस, पाँच इक्यानम पाँच, सात जीरो जीरो, आठ इक्यानम आठ, नौ इक्यानम नौ, और पाँच जीरो जीरो, ग्यारह को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, बारह को आप जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो। अब हमने देखा जो गुणनफल हमारा कितना आया, सभी राशियों से एक जगह आठ प्राप्त है, सिंह में दस, कन्या में पाँच, और एक धनु में, धनु वृश्चिक में आठ और नौ, तो आई हो गया नौ, आठ सत्रह, सत्रह पाँच बाईस, बाईस दस बत्तीस, और आठ चालीस, यानी टोटल हमको सूर्य के यहाँ गुणनफल क्या, राशि, राशि पिंड साधन में इसे कहते हैं, राशि पिंड में हमें सूर्य के कितने अंक प्राप्त हुए, शुभ बिंदु प्राप्त हुए 40, इसे कहते हैं राशि पिंड योग, हमको कितना प्राप्त हुआ 40। अब हम ग्रहों का देख लें, अब ग्रहों को देखें, सूर्य, सूर्य के गुणक तो हमको 5 प्राप्त है, लेकिन सूर्य बैठा कहाँ है, अब आप देखोगे सूर्य बैठे हुए हैं सेवंथ हाउस में, जहाँ धनु राशि लिखी। अब धनु राशि में हमको यहाँ बिंदु के प्राप्त हुए, जो हमने ग्रहों को देखा, देखो यहाँ जहाँ धनु लिखी है, धनु हमको एक बिंदु प्राप्त है, उस एक बिंदु से हम इसको गुणा कर देंगे, सूर्य को एक बिंदु प्राप्त है, तो हमने एक बिंदु लिख दिया। चंद्रमा, अब चंद्रमा जहाँ बैठा है, चंद्रमा देखो इसमें कहाँ बैठा, चंद्रमा जहाँ बैठा हो वहाँ जीरो बिंदु प्राप्त है, कौन सी कर्क राशि है, देखो यहाँ देख चेक कर सकते हो, कर्क राशि में सूर्य ने यहाँ जीरो बिंदु दिया हुआ है, तो हम जीरो से गुणा, चंद्रमा को फिर जीरो, यहाँ जीरो दे दिया। मंगल, मंगल देखो कहाँ बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है ये मकर राशि, मकर राशि में, और मकर राशि में देखो मकर राशि में क्या बिंदु प्राप्त है, जीरो, तो यहाँ यानी मंगल शुक्र बुध सभी को क्या बिंदु दोगे आप, जीरो, तो यहाँ हमने मंगल बुध और शुक्र को जीरो जीरो लिख दिया, ये मंगल ये बुध और ये शुक्र को जीरो जीरो बिंदु प्राप्त है। अब आप देख लीजिए बृहस्पति, बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ, ये भी सप्तम में बैठा, यहाँ भी एक बिंदु प्राप्त है, तो बृहस्पति के आगे आपने एक लिख दिया, जो भी बिंदु प्राप्त है उसे आपने लिख दिया। शुक्र के देख लीजिए, शुक्र भी अष्टम में ही बैठा है, वहाँ भी जीरो बिंदु प्राप्त है, तो जीरो लिख दिया। शनि, यहाँ शनि देखो नवम भाव में बैठा है, वहाँ भी जीरो अंक प्राप्त है आपको, तो आपने जीरो लिख दिया। अब हमें इनका गुणा करना है, तो पाँच को एक से गुणा करते, पाँच इकन्नम पाँच, गुणनफल रह गया, पाँच को जीरो से गुणा करो तो जीरो हो जाएगा, आठ को जीरो से गुणा करो तो जीरो, पाँच को जीरो से गुणा करिए जीरो, दस को एक से गुणा करो दस इकन्नम दस, सात को दस जब जीरो से गुणा करो जीरो हो जाएगा, पाँच को जीरो से कर दो जीरो हो जाएगा। अब हमने गुणनफल में देखा कि सभी ग्रहों के हमें क्या प्राप्त हुए, एक सूर्य के 5 बिंदु प्राप्त हैं, दूसरा बृहस्पति के 10, तो 5 या 10 ये 15, कुल कितने हुए 15 योग, यानी ग्रह पिंड हमको कितने प्राप्त हुए 15। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रह पिंड हमको 15 मिले, राशि पिंड बिंदु हमको कितने मिल गए 40। अब हमको निकालना है शोध पिंड साधन, हमको निकालना, हमारे ग्रह पिंड निकल ही आया, राशि पिंड का मान निकल ही आया, अब शोध पिंड, शोध पिंड का साधन करने के लिए सूत्र क्या है, शोध पिंड बराबर होता है ग्रह पिंड प्लस राशि पिंड, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ग्रह पिंड को 15 मिले हैं, राशि पिंड को 40, ग्रह पिंड के 15, राशि पिंड के 40, तो 40 और 15 हो गया 55, ये हो गया हमारा 40 और 15, 40 15 हो गए 55, ये 55 शुभ बिंदु किसको प्राप्त हुए, सूर्य को, यहाँ सूर्य को हमें जब हमने गणना करी तो ये 55 शुभ बिंदु सूर्य को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार जैसे आपने हमने निकाल दिया ये सूर्य का हमने निकाला, इसी प्रकार आप चंद्र का, मंगल का, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न का निकालेंगे,
सभी का। इसी तरह आप पिंड शोधन करेंगे, शोध पिंड निकालेंगे, इसी शोध पिंड के ही द्वारा, जैसे सूर्य है, अब जैसे सूर्य की जब हम गणना करेंगे, सूर्य जानते हैं पिता का कारक होता है, तो पिता को कब जीवन उन्नति होगी या जीवन में उसको कब कष्ट प्राप्त होगा, ये सब की जो जानकारी है, इसकी गणना जब हम करेंगे, आपको बताऊंगा हम सूर्य से क्या क्या चीज़ का विचार करेंगे, वो हमको कब प्राप्त होगी, कब वो सब सुफल देगा, कब असुफल देगा, ये सारी गणनाएं मैं आपको बाद में इसका फलित बताऊंगा, तब बताऊंगा। अभी आपको साधन करना बताया कि आप इसका साधन कैसे करेंगे, ग्रह यानी शोध पिंड का साधन करना। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही, कहीं कोई दिक्कत है परेशानी है बिल्कुल बता दीजिएगा, मैं हो सका समय रहा तो एक आधे उदाहरण के द्वारा, जैसे आपको मैंने सूर्य का बता दिया, इसी तरह सूर्य चंद्र मंगल का भी बताने की कोशिश करूँगा, उसके बाद आप लोग खुद स्वयं करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।